भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर क्षेत्र का अति प्राचीन और अतिशयकारी है। मंदिर जी के बारे में बताया जाता है, सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में सैनिक रामचंद्र को झाड़ियों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्राप्त हुई और ये वही प्रतिमा थी जिसे रामचंद्र अपने स्वप्न में देखा करता था। प्रतिमा मिलने के बाद रामचंद्र ने अपने घर में विधि विधान से प्रभु को विराजमान कर श्रद्धा भाव से नियमित पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु पूजा करने के लिए शाहजहां के अन्य सैनिक भी वहां आने लगे और पूजन एवं नगाड़े के साथ आरती करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया था। इसके बाद सन 1878 में इस मंदिर का लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया गया, तभी से ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर आज भी जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर जी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य जैन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दर्शन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। शांति धारा कराने के लिए एक दिन की नछावर राशि 2100 रुपए है, जो कि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक डिटेल्स एक्सिस बैंक, चांदनी चौक, दिल्ली, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी। अकाउंट नंबर 2540101000134, IFSC कोड UTIB 00002 54 एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें लाल मंदिर ऑफिस 0114654224। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, महामंत्री विजेंद्र जैन कोषा अध्यक्ष शेखर जैन, प्रधान चक्रेश जैन, सचिव नीरज जैन, मंदिर मैनेजर पुनीत जैन। नंद कारण दुख निवारण परम मांग मैं सही मोसो बदत नहीं और तुम सा पत तो तार सुनियो नहीं चिंतामणि पारस कल्प तर एक भव सुख का रही तुम भक्ति नौका जे चले ते भई। आप सभी लोग दिल्ली के लाल मंदिर जहां पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और जो लगभग 550 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा है और उनके सामने समोसरण में अनेकों भगवान विराजमान हैं, वहाँ पर अपन शांति धारा देख रहे हैं। यह मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, अस्यकारी है। जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के भक्ति से पूजा पाठ करता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। आइए यहाँ पर अपन शांति धारा करते हैं और देखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परमिष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरका श्राव श्राविका प्रमुख चतुसंगो सर्गनाशनाय अव्ययम् मृत्यु अतिकाम रतिकाम क्रोध अग्नि सर्वशत्रु सर्वोपसर्ग सर्वविघ्न सर्वभय सर्वराज भया सर्वचोर भया सर्वदुष्ट भया सर्वमृग भया सर्वात चक्र भया सर्व परमंत्र सर्व सूल रोगा सर्व क्षय रोगा सर्व कुष्ठ रोगा सर्व क्रु रोगा सर्व नरमारे सर्व गजमारे सर्वाश्व मारे सर्व गोमारे सर्व महिष मारे सर्व धान्य मारे सर्व वृक्ष मारे सर्व गुल मारे सर्व पत्र मारे सर्व पुष्प मारे सर्व फल मारे
सर्वराष्ट्र मारे, सर्वदेश मारे, सर्विश मारे, सर्वेताल साखनी भया, सर्वेदनिया, सर्वमोहिनिया, सर्वकर्माष्टका। ओम सुदर्शन महाराज मम चक विक्रम तेजो बल शौर वीर शांति सर्वजनानंदना सर्वभव्यानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वग्राम नगर खेटकर मटन पत्तन द्रोणमुख संभावानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदेशानंदना सर्वयजमानानंदना सर्वदुखम हन हन दह दह पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम हुरूम फट स्वाहा। यसुकम तुश्लोकेशु व्याधि वसन भजतम अवयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विदियते शिवमस्तु। कुलगो धनधान्यम सदास्तु पदम प्रवचंद प्रभुवासपूज मल्ली वर्धमान पुष्धन शीतल मुनिशोध नैमिनाथ पार्श्नाभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते परिचनाश्य दुष्कमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्ध पुत्र विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौ ह्र अस्य उषा अर्हम नमः। समस्त पुजारीगणस्य सकल जैन समाजस्य सकृष जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रावक श्राविकाणाम सर्व शांतिम कुरु कुरु वशट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनान देशाष्ट राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जलोसी पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंगल ज्ञानी रवा कुल जिनी ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीम श्री विश्वादि विराज चतुर्वेदी शंकरभ्यो अभिषेक उपरांत जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चरु लीजिए द्वीप धूप श्री फलार्घ अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरुपामति स्वाहा। पूज गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। मिले सौभाग्य से जो आप परम उपकारी पूज चरणों में बार बार वंदना मेरी। ओम ब्रह्म श्री आचार्य कुंदकुंद मुनिंद्राय आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय आचार्य देशभूषण मुनिंद्राय आचार्य श्री विद्यानंद मुनिंद्राय तीन कम नौ करोड़ मुनिवरभ्यो नमः अर्घम निरुपामति स्वाहा। विद्यावारिधि ज्ञानी दिवाकर ओजस्वी हैं मुनि महान त्याग तपस्या करते देखो हम इनका करते गुणगान। आठ द्रव्य से आठ गुणों को तुमसे पाने आया हूँ करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ अर्घ भेंट में लाया हूँ। ओम रुमंते वासी पट्ट सस राष्ट्र गुरु परम्पराचार्य श्री प्रकृसा साक्षात विराजमान तिनके पाम पुनी चरणों में जल फलादि अर्घम निर्वामिति। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा महामंत्री विजेंद्र जैन कोषा अध्यक्ष शेखर जैन प्रधान चक्रेश जैन सचिव नीरज जैन मंदिर मैनेजर पुनीत जैन।